देवराज इंद्र। नहीं, उस अहंकार को जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कहां से आए? मैं भी जानने का इच्छुक हूं, मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती और ना ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ ले कि यह कर्ण अपने गुरु के आदेश पर आपसे सम्मान सहित ये निवेदन करने आया कि आप अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दें। तो तुम मुझे आदेश दे रहे देवराज इंद्र को, स्मरण रहे वर्षा मेरी आधीन है, इसे आज तक मैं इन पृथ्वीवासियों को भेंट स्वरूप देता आया, परंतु मुझे अभी अनुभव होने लगा निशुल्क में मिलने वाली इन सुविधाओं को ये पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक वह मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किए जाते हैं देवराज, बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। तो भय के कारण ही सही, मुझे सम्मान चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा तो इन पृथ्वीवासियों को वर्षा प्राप्त होगी और उपेक्षा की तो वज्र। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां आपको वज्र बनाने के लिए दी थी ताकि व्रतासुर जैसे असुरों का नाश हो, ना कि निशक्त प्रजा का विनाश हो। देवराज, आप भूल रहे हैं कि पूजा उस वृक्ष की जाती है जो फल दे, शीतल छाया दे। कांटों से भरे वृक्ष को काट दिया जाता है। सावधान कर्ण, तुम देवराज इंद्र के सम्मान को चोट लगा रहे हो। मैं केवल आपके अभिमान को खोच रहा हूं, जैसे हिमकण स्वयं अपने पानी में पिघल जाता है, अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं उसका अहंकार हर लेता है। अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दे, इसे मेरा अंतिम निवेदन समझे या चेतावनी। और यदि मैंने तुम्हारा निवेदन अस्वीकार किया तो, वर्षा नहीं की तो मेरे बाणों की वर्षा से आपका अभिमान बच नहीं पाएगा। अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। दो बाण क्या प्राप्त हो गए, तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करो। आपको वज्र दान में मिला है देवराज, पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। बस उतंड बस।